हेलो एवरीवन वन मै पंकज वेलकम टू बीइंग फिश को आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हैंडबुक ऑफ फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर के चैप्टर फोर डिमर्शल फिशरीज के ऊपर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है होप सो so, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते फिर चैप्टर फोर डिमर्शल फिशरीज के साथ डिमर्शल फिशरीज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ मरीन फिश लैंडिंग है अर्लियर ये रिसोर्सेज अनएक्सप्लोर थी जब ट्रॉल का इन्वेंशन हुआ ट्रॉल पीरियड जो कि जो कि नाइनटीन से नाइनटीन का पीरियड है उसमें हम लोग जितने भी बॉटम ड्वेलिंग फिशेज़ या फिर बैथिक फिशेज़ है उनका एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किए और अभी के समय में इनका ओवर एक्सप्लोटेशन स्टार्ट हो गया है बेंथिक फिशरीज़ इंक्लूड या डिमर्शल फिशरीज़ इंक्लूड शार्क्स ग्रूपर्स स्नैपर्स थ्रेडफिनस पॉम्फ्रे एंड इंडियन हेलीपेड बेसिकली जो इनका मेजर कैच होता है वो हम लोग या तो लार्ज फिश को कैच कर रहे होते हैं या फिर इनकी मेजोरिटी स्पीशीज़ की जो कैच होती है हो, वो बाय कैच के रूप में कैच हो जाती है बाई कैच क्या होता है अगर हम लोग किसी टारगेट फिश को कैच कर रहे हैं उनके साथ साथ जो अदर फिशेज़ कैच हो जाती हैं अन या जिनको हम लोग नहीं चाहते कि वो कैच हो वो बाई कैच के रूप में आ जाती हैं डिमर्शल रीजन क्या है फाइव मीटर अवफ द सी फ्लोर का जो रीज़न है वो डिमर्शल रीजन है जो सबसे ज़्यादा लैंडिंग हो रही है वो ट्रॉल लैंडिंग से 76 परसेंट हो रही है जिसमें कि डिमर्शल फिनफिश फिश परसेंट है इनवर्टिवेट्स थर्टी परसेंट है डिमर्शल रिसोर्सेज शो वर्टिकल माइग्रेशन फॉर फीडिंग शेल्टर एज वेल एज स्पॉनिंग कैटफिश रेज ईल्स और फ्लैटफिश की बात करें तो ये नाइट रीजन में ज़्यादा पाई जाती हैं डिमर्शल रीजन में एज कम्पेयर टू डे टाइम और स्क्विड्स कैरेंगेट और परचेज की बात करें तो ये नाइट टाइम में कम पाई जाती हैं एज कम्पेयर टू डे टाइम डिमर्शल रीजन में देन समर बेंथोपेलॉजिक डेट इंक्लूड्स मैक्रल स्पीशीज जो कि थर्टी टू एटी मीटर के डेप्थ जोन में पाई जाती हैं इनको बैंथोपेलॉजिक स्पीशीज बोलते हैं देन डिमर्शल लैंडिंग इंक्रीज ड्यू टू ट्रॉल पीरियड ट्रॉल पीरियड क्या है नाइन्टीन फिफ्टी टू नाइनटीन नाइन्टी का पीरियड है जिसमें कि ट्रॉल का जो भी मॉडिफिकेशन है वो हुआ था इंडिकेटर फॉर डिमर्शियल फिशरी रिसोर्स बेंथिक बायोमास डिमर्शल ग्रुप इंक्लूड्स ट्वेंटी वन मेजर ग्रुप्स उसमें आते हैं वीपर एस स्लो ग्रोइंग शार्क्स रेस गिटार फिशिज सियानिट्स मुलेट्स फ्लैटेड सोल प्रोटोगेस ग्रूपर्स मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज बाय सियानिट्स एंड थ्रेडफिन ड्रीम्स कोस्टल वाइज अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में सियानिट्स कैटफिश और पॉम्फ्रे की लैंडिंग ज़्यादा हुई थी जो टोल है सिक्सटी सेवन पॉइंट नाइन परसेंट लैंडिंग साउथ ईस्ट कोस्ट में सियानिट्स और सिल्वर वैलीज की साउथ वेस्ट कोस्ट में थ्रेडफिन ड्रीम्स लिजर्ड फिशिज एंड सोल्स नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में सियानिट्स ड्रीम्स एंड मिड नाइनटीन सिक्सटीज़ की बात करें तो लीजर्ट फिशेस की लैंडिंग सबसे ज़्यादा थी क्योंकि उस वक्त ट्रॉ का मॉडिफिकेशन अभी हो रहा था इसलिए बाकी स्पीशीज़ की जो लैंडिंग थी वो ज़्यादा नहीं हो पाई थी फिर मेजर परचेज जैसे कि ग्रुपर्स स्नैपर्स और पिक फिश ब्रीम्स की लैंडिंग ज़्यादा हो रही थी उस वक्त मिड नाइनटीन में उस वक्त इलाज्म कैटफिश और सिल्वर वैलीज वाइट फिश की लैंडिंग कम थी क्यों क्योंकि ट्रॉलिंग इंटेंसिटी उस वक्त कम थी एक्सप्लॉटेशन पैटर्न नहीं अभी फॉलो हुआ था और बायोलॉजिकल वेलरबिलिटी हो रही थी देन डिमर्शल स्पीशीज़ की अगर हम लोग बात करें तो उसमें सबसे पहले हम लोग डील करेंगे शार्क के साथ शार्क इज एलाजमो ब्रैंक कार्टिलेजनस स्केलेटन होता है 400 हंड्रेड मिलियन ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहा है शार्क की स्पीशीज़ 48 एट स्पीशीज़ इंडियन वाटर्स में पाई जाती है जिसमें कि 23 नॉन फिशरी रिसोर्सेज में आती हैं जिनका फिशिंग अभी डेवलप नहीं हुआ है नाइनटीन माइनर फिशरी रिसोर्सेज है और सिक्स मेजर फिशरी रिसोर्सेज है फोर्टी में से थर्टी थ्री स्पीशीज़ कैर करीन फॉर्मिस ऑर्डर को बिलोंग करती हैं फिफ्टीन स्पीशीज़ बाकी चार ऑर्डर में आती हैं देन दे आर बेसिकली मरीन उसमें से कुछ स्पीशीज़ बीज लगून और एस्चूरीज में भी जाती हैं कैरकेरिनस ल्यूकस एंड ग्लाफिस गैंगेटिकस ये माइग्रेट करती है रिवर में भी आ जाती है स्पिरना लेवनी एंड स्पिरना मोक्रम ये पेलाजिक स्पीशीज है कैरकेरिनस लॉन्गीमेनस एंड एलोपियास वल्पी वल्पीनस इज एपीपेलॉजिक स्पीशीज रेस्ट ऑल डिमर्सल स्पीशीज है जिसमें कि स्कॉलिडोन लेटिकॉर्डस एंड चिलोस्कैलम ग्रीजियम आ जाता है वन थाउजेंड मीटर दर्द पर पाई जाने वाली स्पीशीज है एक्नोराइनस ब्रूकस एंड लैगोमेनेसिस देन अब हम लोग बात करेंगे ऑर्डर फैमिली और कॉमन नेम के बारे में दैन हेगैंकी फार्मिस फैमिली हेगजेनेडी काउशार्क स्क्वा फार्मिस एकिनोराइनिडी ब्रैम्बल शार्क स्क्वाइलिडी डॉगफिश शार्क ऑरेक्टोलॉबी फार्मिस हेमी स्क्ली बैंबू शार्क स्टीगोस्टोमटिडी जिब्रा शार्क जिंगली स्टोमाटिडी नर्स शार्क राइनोडॉन्टिडी वेल शार्क लैमिनी फार्मिस एलोपीडी थ्रेस शार्क लैमिनी मैक्रल शार्क स्क्वैलोरिन कैट शार्क दैट बिलोंग्स टू कैरकेरी फार्मिस देन प्रो प्रोस प्रॉस कैल फिनबैक कैट शार्क लेफ्टो कैरिडी बारबेल्ट्रैक डी हन शार्क हैमी गैलिडी वीजल शार्क कैरकैरिनी डी रिक्यूम शार्क स्पेनिडी हेमरेड शार्क दैन कमिंग टू लाइफ पैटर्न स्लो ग्रोथ होता है लेट इन प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ फ्यू यंग वस इलाज्मा ब्रैंक या तो ये पॉपुलेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं स्मॉल शार्क की स्पीशीज है एरीडेक्निस रेड क्लीफी ट्वेंटी सेंटीमीटर इनका लेंथ होता है वेल शार्क इनकी जो सबसे ज़्यादा लेंथ वेल शार्क का पाया जाता है वो है वेल शार्क रिंगकोड टाइफस है लेंथ इनका फोटी फोर्टीन हंड्रेड सेंटीमीटर है सिक्सटी टाइम्स लार्जर होते हैं स्मॉलेस्ट शार्क जो कि एक् एरीडेक्निस रेड क्लिफी है फोर्टी एट स्पीशीज़ की बात करें तो उसमें सिक्सटीन स्पीशीज ट्वेंटी फोर से हंड्रेड सेंटीमीटर की लेंथ पे आती हैं थर्टीन स्पीशीज हंड्रेड एंड वन से टू हंड्रेड सेंटीमीटर की होती हैं सिक्स स्पीशीज़ टू हंड्रेड वन से थ्री हंड्रेड सेंटीमीटर की होती हैं नाइन स्पीशीज थ्री हंड्रेड वन से फोर हंड्रेड सेंटीमीटर थ्री स्पीशीज़ फाइव हंड्रेड वन से सिक्स हंड्रेड और वन स्पीशीज़ फोर्टीन हंड्रेड सेंटीमीटर की जो कि आपकी वेल शार्क रिंगड टाइफस है फीमेल की साइज़ ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेल के साइज से मेल की साइज़ कम होती है थर्टी फोर स्पीशीज़ वी पैरस होती है सिक्स ओ वी पेरिस स्पीशीज़ है और एट ओव ओवो वी वी पैरस स्पीशीज़ है फोर्टी एट स्पीसीज़ में से ये हाल है थर्टी फोर वी पैरस है सिक्स ओ वी पेरस एंड एट ओवो वी वी पैरस ओ वी पैगस हैबिट देखा गया टेम्परेट शार्क में डैट इज़ एग ईटिंग हैबिट टाइगर शार्क गैलोकोडोक्यूवरी एटी एंगवंस का ये एटी एंगवंस देते हैं और हेमरेड शार्क थर्टी एंगवंस फिर हम लोग बात करें बुल शार्क कैरकैरिनस ल्यूकस रिलीज ये रिलीज कर 56 सिक्स टू एटी सेंटीमीटर के जो ऑप्शनिंग होते हैं उनका रिलीज कर रहे होते हैं ओवी पैरिटी क्या होता है तो प्रीमेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन शार्क ओवी पैरिटी है जिसमें एक ओवा जो कि कैप्सूल से सराउंडेड होता है उसका बाहर के इन्वायरमेंट में उसको ले कर देते हैं ये लोग वेल शार्क हैबिट है ओवी पैरिटी जो है स्कॉलिडॉन लैटिकोडस इज राइजोप्रीनोडोन एक्यूटस और कैर सोरा इनका ग्रोथ रेट की अगर बात करें जो ग्रोथ रेट रिप्रेजेंट होता है के से तो इनकी ग्रोथ रेट की जो के की वैल्यू है वो है जीरो पॉइंट थ्री थ्री से वन पॉइंट जीरो एट शार्क का बेसिकली या तो हम लोग मीट के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट या उनकी ट्रेडिंग हो रही है फ्रेश फ्रोजन और ड्राइड फॉर्म में अगर शार्क लीवर का यूज़ करते हैं तो उससे हम लोग ऑयल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं शार्क फिन या फिर फिन रेस का यूज़ करते हैं तो उससे हम लोग चाइना या जापान में सूप का प्रिपरेशन होता है जो कि आपके वहाँ पर जो भी पार्टी हो रही है वहाँ पर उसको सर्व किया जाता है वहाँ पर सूप को जनवरी टू मार्च की बात करें तो रिंकोड टाइफल दट इज़ वेल शार्क माइग्रेट टू सौराष्ट्र कोस्ट हारपून फिशिंग का यूज करते हैं नाइनटीन में टू की बात करें तो फोर स्पीशीज वेल शार्क पॉन्डिचरी शार्क और गैंगेटिक शार्क और स्पेयर टोटेड शार्क ठीक है ये फोर स्पीशीज थी जिसको टू वन में गवर्नमेंट ने इनको इनके साथ साथ आपके रेज हिमन टूना टूनाटेलिस यूरोप जिम्नस एस्पेरिनस सॉफ फिशिज एनॉक्सीप्रिस्टिस कस्पीडेटस प्रिस्टिस माइक्रोडॉन प्रिस्टिस, प्रिस्टिस जिस्रॉन गिटार फिशेज रिंकोबेटस जिडेंसिस इनको गवर्नमेंट ने शेड्यूल वन के तहत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में डाला नाइनटीन सेवेंटी टू के ठीक है अब बात करेंगे हम लोग मेजर परचेज के ऊपर शार्क के बारे में हम लोग बात कर लिए अब मेजर परचेज के ऊपर बात करेंगे बिलोंगिंग टू ऑर्डर पर्सी फॉर्मिस मोर देन ट्वेंटी फैमिली इसमें आते हैं ठीक है पहले आता है सेरेनिडी रॉक कॉर्ट्स और ग्रुपर्स का ये फैमिली है लुट जैनिडी स्नैपर्स की फैमिली है लेथरीनिडी पिकफिस ब्रीम्स और माइनर परचेज जिसमें नेमिप्टेरिडी प्रेकेंथिडी प्रेकेडी स्पेरिडी एकेथीडी एंड सीगानिडी फोटी टू रॉक कॉट्स और ग्रुपर्स की स्पीशीज़ है एटीन स्नैपर्स की स्पीशीज़ है और टेन पिग फेस ब्रीम्स की स्पेशीज़ हैं एलमेक्स की बात करें तो एपीनेफल्स बोनेक ट्वेंटी सेंटीमीटर ये स्मॉलेस्ट है और एपीनफलस लेंसियोलोटस लोटस टू थर्टी वन सेंटीमीटर और इनसे भी ज़्यादा पी लेंसियोलोटस लोटस टू सेवेंटी सेंटीमीटर ये लॉन्गेस्ट स्पीशीज़ है आपकी ग्रूपर के अंदर ये बॉटम ट्वेलर्स होते हैं रॉकी और कोरल रीजन में पाए जाते हैं फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड किलोमीटर वेज वैंग कोस्ट में कोवालम साउथ वेस्ट कोस्ट में टू कन्याकुमारी का इनका स्ट्रेच है यहाँ पर ये यह पाए जाते हैं ठीक है कालावा ग्रुपर सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड मीटर डेप्थ हार्डी बॉटम रीजन में पाए जाते हैं लाइफ पैटर्न इनका प्रोटोगाइनस हारमा प्रोडाइट्स है आफ्टर स्पॉइनिंग फॉर आफ्टर स्पॉनिंग फॉर टेन और मोर ईयर्स उसके बाद इनका सेक्स चेंज हो जाता है ये फीमेल से मेल में चेंज कर लेते हैं अपने सेक्स को फिर ऊसाइड डी जनरेशन स्टार्ट होता है कैसे सेक्स चेंज करते हैं तो ऊसाइड डी जनरेशन स्टार्ट होता है और स्पर्मेटोगोनिया प्रोलीफ्रेशन स्टार्ट होता है उसके बाद ये ओवरी जो है वो फंक्शनल टेस्टिस में कन्वर्ट हो जाता है फिर हम लोग एपिनेफ्लेस कोडिस की बात करें तो मेल जो आपकी मेल में जो मेच्योिटी टाइम है वो है ट्वेंटी फाइव टू थर्टी सेंटीमीटर स्पॉनिंग टाइम इनका होता है फिफ्टी फाइव टू सेवेंटी फाइव सेंटमीटर और फिकेंडिटी है जीरो पॉइंट एट फाइव से टू पॉइंट नाइन जीरो मिलियन ओवर देन प्रोटोगस प्रॉब्लम देखा गया इनके अंदर फिर मेल्स आर लॉन्गर एंड ओल्डर देन फीमेल्स एंड मेल्स लेस फीमेल्स मोर ठीक है ये सब प्रॉब्लम हो जाती है अगर प्रोटोगनस हर्मा प्रोडक्ट जब कंडीशन होता है तो ये प्रॉब्लम ये हो जाती है कि या मेल्स लॉन्गर और ओल्डर देन फीमेल्स होते हैं ठीक है और मेल्स का नंबर लेस होता है और फीमेल्स का मोर हो जाता है ठीक है क्योंकि फीमेल को ही अल्टीमेटली कन्वर्ट होना है मेल पॉपुलेशन में तो इनके रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है अब बात करेंगे हम लोग ग्रुपस फीडिंग हैबिट भी तो फीड्स ऑन फिशिज लार्ज क्रिस्टिशियर एंड सीफेलोपोड्स मतलब कानीवरस फीडिंग हैबिट है लार्ज हेड माउथ गल्प करते हैं ये ढेर सारे वाटर को गल्प करके और उसी में अपने प्रे को ये गल्प कर लेते हैं लार्ज हेड होने की वजह से इन्वर्ट डिप्रेसिबल तीथ इनको हेल्प करता है अपने प्रे को सीज करने के लिए होल्ड टाइटली होल्ड कर लेता है अपने प्रे को इनका इन्वर्ट डिप्रेसिबल तीथ इनका जो मॉडिफिकेशन है इनके माउथ का फिर द फ्राई एंड फिंगर लिंक्स फीड्स ऑन माइसिट्स एंड टाइनी श्रिम्स अब जो केज में हम लोग जो ग्रूपर कल्चर कर रहे हैं वो फीड करते हैं ट्रैस फिशेज पे और मिस्ड मीट्स पे फाइव इनका फीडिंग जो इनका जो रेट है स्टॉकिंग फीडिंग रेट जो है वो है फाइव परसेंट ऑफ द बॉडी वेट फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेजर परचेज के ऊपर तो दीज आर हाईली वेल्यूबल फिशेज ठीक है बात करेंगे अब हम लोग थ्रेड फिन ड्रीम्स के ऊपर बिलोंगिंग टू फैमिली नेमिप्टेरिडी ऑर्डर पर्सीफॉर्मिस सिक्स स्पीशीज होती है इसमें नेमिप्टेरस जैपानिकस नेमिप्टेरस मिजोप्रियन नेमिप्टेरस टेल्यूगे नेमिप्टेरस टोहू नेमिप्टेरस ल्यूटियस नेमिप्टेरस मेटोपियास इसमें से दो सबसे अबंडेंट है वो है जेपानिकस एंड मिजोप्रियन मडी और सैंडी बॉटम रीजन में पाए जाते हैं ये कोस्टल इनशोर एज वेल एज ऑफ शोर रीजन में फाइव मीटर टू एट्टी मीटर दर जोन में पाए जाते हैं थ्री हंड्रेड मीटर इनका मैक्सिमम दर जोन है बॉटम रीजन में फोटी मीटर दर पर आपका नंबर टेरस जपानिकस पाया जाता है ये थ्री हंड्रेड मीटर तक भी एक्सटेंड करता है इनका हैबिटेट बियॉन्ड फोर्टी मीटर पे नमेब टेरस मिजोप्रियन पाए जाते हैं केरला में हंड्रेड टू टू हंड्रेड डेप पर पाए जाते हैं दिसंबर टू तो अप्रैल जुलाई टू तो अक्टूबर बिलो हंड्रेड मीटर पे फ्रैक्शनल स्पॉनर्स हैं ये थ्री मंथ्स के गैप पे ये स्पॉन करते हैं जून टू सितंबर नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में नवंबर टू तो अप्रैल साउथ ईस्ट कोस्ट में फिकंडिटी ट्वेंटी थ्री थाउजेंड टू वन लैख थर्टी नाइन थाउजेंड टू हंड्रेड इनका देखा गया एनुअल फिकंडिटी है दे आर कार्निवोरस दे फीड्स ऑन स्मॉल स्मॉल फिशेज सीफेलोपॉड्स अपॉर्चुनिस्टी फीडिंग शो करते हैं फिर बात करेंगे सियानिट्स की सेवनटीन जन जनरा एंड थर्टी फोर स्पीशीज सियानिट्स में आते हैं डेट इंक्लूड्स अब इनका जो कंपेरिजन होता है सियानिट्स का वो क्लूपीडी और कैरेंगीडी से होता है सियानिट्स सिक्सटीन टू वन सिक्सटी सेंटीमीटर तक लेंथ में वेरी कर रहे होते हैं ट्वेंटी फाइव स्पीशीज ऑफ स्मॉल डेट इज़ लेस दैन फोर्टी फाइव सेंटीमीटर की स्पीशीज़ होती हैं जी डेट इंक्लूड्स जॉनियस एनियस जॉनियस बेलेंगे जॉनियस डूसीमेरी जोनियस करूटा जोनियस सीना ओटोलीथिस क्यूवरी निबिया मैक्यूलेटा एंड काथला एक्जिलेरिस सिक्स स्पीशीज फोर्टी फाइव से एट्टी सेंटीमीटर की स्पीशीज़ है उसमें ओटोलिथस रूइवर आता है थ्री स्पीशीज ग्रेटर देन वन मीटर के लेंथ पे वाली हैं मतलब हंड्रेड सेंटीमीटर से ज़्यादा वाली उसमें ओटोलिथस बायोरोटिकस बायोरोटिस एंड ओटोलिथस ब्रोनियस एंड घोल डैट इज प्रोटोनिबिया डाइकेथस ये नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में बहुत अबंडेंट स्पीशीज़ है घोल प्रोटोनिबिया डाइकेथस

जॉनियस सीना एंड जॉनिस डोसिमेरी प्रोलॉन्ग स्पॉग दो तरह की स्पॉनिंग पैटर्न है एक है इनकी तीन से चार मंथ वाली स्पॉनिंग पैटर्न है मतलब गैप देखे करेंगे फैक्शन स्पॉनर की तरह और दूसरा ये कि ये प्रोलॉन्ग स्पॉलिंग करते हैं छः से सात मंथ वाले वो एक तरीका है हाई फिकंडिटी देखी गई है ओटोलिथस रूबर एंड जॉनिस डुमेरी फोर्टी से वन एंड फिफ्टी वन लाख फोर्टी टू थाउजेंड से दो लाख पच्चीस हज़ार नौ सौ अट्ठासी ये इनकी फिकंडिटी देखी गई है फिट्स ऑन कॉपी पॉट्स प्रॉन्स एंड एसिटिस टोटोनिम्बा डाइकैंथस, एंड ओटोलिथस, बायोरेटस फिश ये फीड करते हैं सिक्सटी फाइव परसेंट इनकी जो फीडिंग है फीडिंग है वो सिक्सटी फाइव परसेंट बिलोंग करती है फिश को ये बेसिकली फिश पे फीड कर रहे होते हैं अब हम लोग सिल्वर वैलीस की बात करेंगे तो इसमें नाइनटीन स्पीशीज थ्री जेनरा आते हैं लियोगा एंड सेक्यू सेक्यूटा लियोगथस बिंडस लियोगथस ब्रेविरोस्ट्रिस लियोगेथस डूसीमेरी लियोगथस जोनेसी गाजा मीनूटा एंड सेक्यूटर ये डिमर्शियल स्पीशीज है फोर्टी मीटर से वन ट्वेंटी मीटर दब तक पाई जाती है एंटस एश्चूरीज ओकेजनली साउथ ईस्ट कोस्ट में यह गल्फ ऑफ मन्नार और, और, और पागबे रीजन में पाई जा रही है लियोग्थस के पास प्रोटूजेबल माउथ होता है अपवर्ड साइड में अगर प्रोटिजल माउथ है तो ये प्लान्टॉन पे फीड कर रहे होते हैं लियोनीथस अगर प्रोटीजेबल माउथ डाउनवर्ड साइड में है तो ये गैस्ट्रोपॉड बाईव और पॉलिचीट पे फीड कर रहे होते हैं गाजा मेनोटा की बात करें तो कैनाइन टूथ होता है इनके पास ये कार्निवोरस है एंड फीड्स ऑन क्रस्टेशियन लियोग्थस जोनेसी की बात करें तो ये ड्यूनल वर्टिकल माइग्रेशन शो करते हैं फॉर फीडिंग एज वेल एज स्पॉनिंग थ्री फीडिंग हैबिट होती है इनकी ये बेंथिक रीजन में एज वेल एज कॉलमनर रीजन और एश्यूरेंट रीजन में भी जाके ये फीड कर लेते हैं तो ये थ्री फीडिंग हैबिट शो कर रहे होते हैं शॉर्ट लिव फिशेज हैं टू ईर्यर्स से थ्री ईयर्स तक इनकी लाइफ स्पैन है एल एक्ल्स की बात करें तो टू सिक्सटी मिली इनकी साइज़ है फिकेन डिटी सेवन थाउजेंड टू फिफ्टीन थाउजेंड है, low quality fish है fish लो क्वालिटी फिश है यूजड एज फिश मिल की तरह इसको हम लोग यूज करते हैं इनका कोई भी ज़्यादा मार्केट डिमांड नहीं है फिफ्टी परसेंट डिमर्सल्स मिड और मिड लेवल कॉर्नीवर्स हैं ये फोर्टी सेवन परसेंट हाई लेवल्स देन अब हम लोग बात करेंगे ये तो था स्पीशीज़ के बारे में बात अब बात करेंगे क्योंकि ये बेसिकली डिमर्शल फिशीज़ है तो इनको यूज़ करने के लिए जो हम लोग गियर यूज़ कर रहे थे वो था ट्रॉल उस बॉटम ट्रॉल फिशरी के ऊपर कुछ बात करेंगे तो बॉटम ट्रॉल फिशरी डेवलप कैसे हुई तो हम लोगों ने डेवलप किया इनके ट्रॉल्स के लेंथ को इंक्रीज़ किया ट्रॉल जो ट्रॉलर थे उनके लेंथ को इंक्रीज़ किया ट्रॉल नेट का मॉडिफिकेशन किया एज वेल एज विंच पावर का यूज़ किया ताकि हम लोग मैनुअल लेबर को ना यूज़ करके हम लोग पूरा टेक्नोलॉजी पे फोकस कर सके एक्सपेरिमेंटल और पायलट स्केल पे फोकस किए 1950 से 1990 का जो ट्रॉल पीरियड था उसमें बेसिकली ट्रॉल का जो भी मॉडिफिकेशन था वो हुआ था 8.5 से 10 मीटर का जो वेसल लेंथ था उस वक्त 1950s के वक्त मिड 1960 में 10 मीटर वेसल लेंथ हुआ 1970 में 22 से 25 मीटर 1980s में 12 टू तो 16 मीटर वेरावल रीजन में यूज़ किया था जो 1970 में जो वेसल 22 से 25 मीटर का था वो बेसिकली शिम के लिए यूज़ किया गया था वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रीलाइजेशन और एक्सपेंशन हुआ था नाइनटीन में विंच ड्रम एंड ट्रॉल नेट मॉडिफिकेशन ये कुछ भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन कह जाएंगे ट्रॉल नेट के केस में ट्रॉलर्स के केस में विंच ड्रम एंड ट्रॉल नेट का मॉडिफिकेशन हुआ और 400 मीटर दर्द पे अब हम लोग ट्रॉलर्स का यूज़ करते ऑपरेट करते हैं और जो सबसे जो सबसे बॉटम रीजन पे यूज़ करने वाले जो ट्रॉर है ट्रॉलर यूज़ करते हैं वो है श्रिम ट्रॉलर्स वो एकदम बॉटम रीजन पर यूज़ कर रहे होता है जो हमारे जो बेंथिक फ्लोर एंड फोना है उनको भी वो एक्सप्लॉर्ट करने पर यूज़ हो रहा है या फिर उसको एक्सप्लॉर्ट करने पर लगा वो एक्सप्लॉर्ट कर रहा है उसको अब हम लोग की मॉडिफिकेशन की बात करें तो एच डी टवाइन यूज़ होता है जिसकी की लो स्पेसिफिक ग्रेविटी है गुड स्ट्रेंथ है एंड लो कॉस्ट है हाइट ऑफ हेड्रोप इंक्रीज़ हुआ फॉर इंक्रीजिंग एक्सटेंडिंग स्वीप एरिया फिशिंग ट्रायल्स किया गया था प्लाग पाक वे में हाई ओपनिंग बॉटम ट्रॉल 150 फिफ्टी पर आवर ये कैच रेट था ट्रेडिशनल ट्रॉल का कैच था 103 हंड्रेड पर आवर 50 परसेंट हाइयर था हाई ओपनिंग बॉटम ट्रॉल का इस वजह से हम लोग बॉटम ट्रॉल का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इनसे हम लोग को ज़्यादा लैंडिंग मिल सकती है और मिलेगी श्रिम ग्राउंड की बात करें तो हम लोग श्रिम ग्राउंड पे क्या करते हैं कि वेट ऑफ सिंकर्स बढ़ा देते हैं क्योंकि श्रिम फिजिकली एक्सट्रीमली बॉटम रीजन में पाए जाता है एकदम ही बैंक रीजन जो कि 400 मीटर डेप तक का होता है वहाँ पे पाए जाता है इसलिए हम लोग सिंकर्स का वेट बढ़ाना पड़ता है ताकि ये नेट एकदम नीचे तक पहुँच सके फिर फिर लेस देन फिफ्टीन मिली फॉर टाइनी श्रिम ये हमारे मेस साइज रेगुलेशन की बात करें तो ऐसे तो जो गवर्नमेंट के द्वारा मार्ग है वो है थर्टी फाइव मिली का मैस साइज होना चाहिए ट्रॉलर्स का बट श्रिम के, के केस में हम लोग लेस देफ्टी मिली फिफ्टीन मिलीमीटर्स नेट साइज यूज़ कर रहे हैं अब इंक्रीज़ इन डिमर्शियल फिशिंग ठीक है इंक्रीज़ इन एफर्ट एक्सटेंशन ऑफ ट्रॉलिंग ग्राउंड्स ये सब और इंक्रीज इन माउथ ओपनिंग ऑफ ट्रॉलनेट एज वेल एज रिडक्शन इन कॉर्डेंट ये सारे क्राइटेरिया हैं कि जो डिमर्शल लैंडिंग इंक्रीज होने के लिए इंक्रीज इन डिमर्शियल फिशिंग इंक्रीज इन एफर्ट एक्सटेंशन ऑफ ट्रॉलिंग ग्राउंड्स इंक्रीज इन माउथ ओपनिंग ऑफ ट्रॉलैट एंड रिडक्शन इन कॉर्डेंट ये सारी चीज़ें रिस्पॉसिबल हैं डिमर्शल लैंडिंग इंक्रीज करने के लिए या फिर डिमर्शल फिशरी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए फिर गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल फिशरी के लिए जो मार्ग दिया था वो है थर्टी फाइव रेगुलेशन था लेकिन एक्सप्लाटेशन क्यों होने लगा है अभी डिमर्शल रिसोर्सेज का क्योंकि जो मार्ग था थर्टी फाइव mm, लेकिन हम लोग यूज़ कर रहे हैं फिफ्टीन मिलीमीटर इस वजह से जो भी हमारी बॉटम या फिर डिमर्शल फिशरी रिसोर्सेज हैं उनका एक्सप्लॉटेशन स्टार्ट हो चुका है सिक्सटी लैंडिंग जो एन जेपोनिकस की है वो एक्सप्लॉटेशन हो रहा है एंड फोर्टी परसेंट बाई बायोमास से हम लोग उसका एक्सप्लॉटेशन कर रहे हैं ये सिक्सटी परसेंट नंबर के रूप में एक्सप्लॉटेशन बता रहा है और फोर्टी परसेंट बायोमास के रूप में एक्सप्लॉटेशन बता रहा है रिकॉर्ड है कि सेवन स्टॉक्स डिक्लाइन हो चुके हैं ठीक है थेटफ्रिन ड्रीम्स नेमिप्टेरस जेपोनिकस और नेमिप्टेरस मेजोप्रियन इनकी स्पीशीज को खतरा है प्लस सिल्वर वैलीज की लियोगनेथस बिंडोस सेक्यूटर इंसिडेटर गोड फिशेज स्पीशीज ओपेनियस टिनोप्टेरस ओपेनियस सल्फ्यूरियस लिजॉर्ट फिशेज सॉरिडा स्पीशीज़ इन सारी स्पीशीज़ को ट्रॉल नेट से जो भी है एक, ओवर एक्सप्लाटेशन का डेंजर आने शुरू हो चुका है अब देखिए अब डेंजर तो हो रहा है एक्सप्लाटेशन भी हो रहा है ओवर एक्सप्लाटेशन तक की बात भी आ चुकी है आपके ट्रॉल के यूज़ से तो गवर्नमेंट ने अब कुछ कुछ नए रूल्स निकाले वो थे उनमें से एक था क्लोज़र ऑफ फ़िशिंग फोर्टी तो फाइव टू सिक्सटी डेज़ का क्लोज़र रहेगा बाय मरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत वेस्टर्न कोस्ट में जून से जुलाई के बीच और ईस्टर्न कोस्ट में अप्रैल टू मई के बीच ये बहुत इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाएगा कि ये क्लोजर जो रहता है फिशिंग सीजन का वेस्टर्न कोस्ट में कब होता है जून से जुलाई ईस्टर्न कोस्ट में अप्रैल टू मई अब ये था कि सस्टेनेबल फिशरी मैनेजमेंट था लेकिन सस्टेनेबल फिशरी मैनेजमेंट के साथ साथ हमें इकोसिस्टम बेस्ड मरीन फिशरी मैनेजमेंट भी करना ज़रूरी है अब इकोसिस्टम मरीन बेस्ड मरीन फिशरी मैनेजमेंट क्या है कि अगर हम लोग किसी स्पीशीज़ का ओवर ओवर एक्सप्लोटेशन कर रहे हैं तो हम लोग बेसिकली एक प्रीडेटर प्रे की जो रिलेशनशिप है उसको भी तोड़ने पर तुले हुए हैं अगर उस प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप को हम लोग तोड़ेंगे मतलब कि हम लोग एक फूड वेब या फिर एक फूड चेन जो है उसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं यानी हम लोग ट्रॉफिक लेवल पर हम लोग डेंजर डाल रहे हैं और ये ट्रॉफिक लेवल सीधा कनेक्टेड है आपके इको सिस्टम से तो ये है इको सिस्टम बेस्ड मरीन फिशरी मैनेजमेंट तो हम लोग को यही कोशिश करना है कि ट्रॉलर से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ओवर एक्सप्लाटेशन ना करके एक सस्टेनेबल तरीके से हम लोग फिशिंग करें ताकि हमारी कोई भी स्पीशीज़ को हार्म ना हो और एक इकोसिस्टम जो बैलेंस है उस पर कोई भी हार्म ना पहुँचे और किसी भी स्पीशीज को हार्म ना पहुँचे और इसलिए गवर्नमेंट ने नो फिशिंग जोन्स बनाए हुए हैं जहाँ पे फिशिंग करना मना है या फिर कुछ पीरियड्स के लिए उन जगहों पे फिशिंग करना पे रोक लगा दिया ऐसे कुछ एरियाज़ बना दिए हैं वहाँ पे फिशिंग उस समय पर नहीं हो सकती है या फिर कुछ देर बाद होगी या जब उनके ब्रूडर का सब ब्रीडिंग का समय रहता है तब फिशिंग रोक दिया जाता है या फिर वो परमानेंटली उस जगहों पर फिशिंग रोक के रखना है ठीक है तो ये सारी चीज़ें थी जो इको बेस्ड मरीन फिशरी मैनेजमेंट के लिए की गई तो ये था चैप्टर डिमर्शल रिसोर्सेज या डिमर्शल फिन फिश रिसोर्सेज इसको हम लोग डिस्कस कर लिए हैं ठीक है ऑप्स सा आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे सारे पॉइंट्स मैंने डाल दिया है ठीक so, है ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप शेयरिंग दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन, स्टे सेफ